हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस। देखिए आज डेट है 23rd में। आज हम चलिए देखते हैं 23rd मई का इंडियन एक्सप्रेस क्या क्या न्यूज़ हैं आज हैं कवर करने के लिए। देखिए अभी आरबीआई ने रेट कट कर दिया है। जो रिवर्स रेपो रेट है और रेपो रेट है दोनों में ही कटौती की गई है। तो रेपो रेट अभी कर दिया गया है 4% और रिवर्स रेपो रेट कर दिया गया है 3.35%। ठीक है, तो ये मेजर्स अभी लिए गए हैं आरबीआई द्वारा। और यहाँ पर देखिए अभी जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में साइक्लोन एम्फन से कितनी तबाही हुई है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने विजिट किया है वहाँ का। तो अभी 1,000 करोड़ दिया गया है वेस्ट बंगाल को और 500 करोड़ दिया गया है उड़ीसा को। ठीक है, तो ये मेजर्स अभी वहाँ लिए गए हैं ताकि उनको थोड़ा सा रिलीफ पैकेज दिया जाए। और यहाँ देखिए कैलामिटी सेस लाने की बात की जा रही है ऑन जीएसटी। जीएसटी के ऊपर अभी कैलामिटी सेस लगाने की बात की जा रही है। जैसा कि हमने देखा था जब केरला में फ्लड आए थे तो केरला ने भी वहाँ पर डिज़ास्टर रिलीफ सेस लगा दिया था। और उसी की लाइन पर चलते हुए अभी कैलामिटी सेस जीएसटी पे लगाने की बात की जा रही है। तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये रहेगा कि गवर्नमेंट को फंड मिल जाएगा, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट ये है जिस पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि इस कोविड-19 के टाइम पे जहाँ वैसे ही इकोनॉमिक डाउन चल रही है तो कहाँ से लोगों के ऊपर इतना बर्डन डाला जाना सही है। ठीक है, और यहाँ देखिए अभी बात की जा रही है कि चाइनीज़ ट्रूप फोकस 4 LAC लोकेशन, 4 LAC लोकेशन की बात की गई है, जो ज़्यादा आप कह सकते हो कि ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट है इंडिया और चाइना के बीच में। देखिए 80% ऑफ द चाइनीज ट्रांसग्रेशन मतलब कि जब सामने वाला अपने बाउंड्री में एंटर कर जाए और लिमिट क्रॉस कर दे, वो लाइन जो बॉर्डर होता है उसको क्रॉस करके अपनी टेरिटरी में आ जाए, ठीक है, उसको ट्रांसग्रेशन कहा जाता है। तो 80% ऑफ द ट्रांसग्रेशन अक्रॉस दी LAC बताया जा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादातर लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिला है। तो देखिए थ्री ऑफ देम इन द ईस्टर्न लद्दाख इन द वेस्टर्न सेक्टर। ठीक है, तो आप कह सकते हो 80% से ज़्यादा लद्दाख वाले सेक्टर में देखने को मिलता है। और देखिए पेंगोंग जो लेक है ये काफ़ी अभी चर्चे में है, क्योंकि उसी के आप कह सकते हो विसिनिटी में ये जो स्किर्मिशेस बिटवीन द इंडिया और चाइना है देखने को मिल रहा है। तो पेंगोंग लेक एक बार देख लेते हैं कि किधर है पेंगोंग लेक। अब देखिए अगर ये जम्मू कश्मीर का मैप देखेंगे तो सपोज़ करिए अभी जैसा नया मैप लाया गया जिसमें इसको इस तरीके से डिवाइड करके यहाँ जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख वाला रीजन है, ठीक है, या स्काई अक्साई चीन वाला रीजन, यहाँ पर ये गिलगिट बल्तिस्तान है इधर पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लद्दाख वाले इस रीजन में यहाँ पेंगोंग लेक है, ठीक है, पेंगोंग लेक, ठीक है, ये लेक के आसपास यहाँ पर अभी स्किर्मिशेस देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अभी ये न्यूज़ में है, तो इस लेक के बारे में आप याद रख सकते हैं कि लद्दाख में पाई जाती है ये लेक। और देखिए जो बाकी पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताया गया कि और कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे स्किर्मिशेस या फिर मुठभेड़ ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो देखिए ट्रिग हाइट एंड बर्ड से ये एक जगह है। और जो दूसरी जगह है, देखिए दूसरी जगह है डॉले टेंगो एरिया, ये एरिया में भी काफ़ी स्किर्मिशेस या मुठभेड़ देखने को मिलती है। और तीसरा जगह देखिए ये भी एक एरिया है डीचू एरिया मदान रिज एरिया, ठीक है, ईस्टर्न सेक्टर में है ये। जैसा कि लद्दाख वाला वो चाइनीज़ साइड वाला जो रीजन है वहाँ पर किस तरीके से एरिया डिवाइड है, वहाँ पर फिंगर्स में गिना जाता है, फिंगर 1 फिंगर 2, इस तरीके से वहाँ की लोकेशन डिवाइडेड हैं। और वहाँ पे लोकेशंस वेस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, मिडल सेक्टर, इस तरीके से भी डिवाइड है। तो अगर आप देखेंगे जो उत्तराखंड वाला सेक्शन है वो मिडल सेक्टर में आ जाता है, ठीक है, और जो लद्दाख वाला सेक्शन है वो वेस्टर्न सेक्टर में आ जाता है, और जो अरुणाचल वाला सेक्शन है वो आ जाता है ईस्टर्न सेक्टर में, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब जगहों पर काफ़ी ट्रांसग्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे बताया जा रहा है जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है मे हार्मफुल फॉर दी कोविड पेशेंट, ठीक है। लैंसेट ने एक स्टडी पेश किया है जिसमें बताया जा रहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जिस पर अभी कोविड-19 के ऊपर वो क्या रिएक्ट करेगा उसका कोई भी परफेक्ट स्टडी नहीं आया है। तो अभी बोला गया है कि अगर इसको ऐसे ही यूज़ किया जाएगा तो ये हार्मफुल भी साबित हो सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी स्टडी करना बाकी है, तो देखने वाली बात होगी कि फ्यूचर में क्या इसके ऊपर निकल के आते हैं कि ये यूज़फुल साबित होगा या नहीं साबित होगा। अभी हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसके ऊपर कमेंट किया था कि किस तरीके से वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और कहते हैं कि वो तो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए एडिटोरियल पेज है, एडिटोरियल पेज में ये वाला आर्टिकल आ जाया है या नेपाल के बारे में, ठीक है, और ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है, किसी की काम का है नहीं। इसमें बताया जा रहा है किस तरीके से अभी पॉलिटिक्स की जा रही है इस कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, ठीक है। और यहाँ देखिए ये वाला जो आर्टिकल आया है ये बात कर रहा है अभी मॉनिटरी पॉलिसी जो रिफॉर्म्स अभी लाए गए हैं, मॉनिटरी पॉलिसी जैसे चेंज किए गए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। जैसा कि न्यूज़ में देखा हमने कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में चेंजेस आए हैं तो उसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान के बारे में बात की गई है इस आर्टिकल में, तो उसको यहाँ पर देख लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये अभी जिस तरीके से वर्चुअल चेंजेस आए हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, कि जो सब लोग जाके ऑफलाइन काम किया करते थे, अभी बहुत सारा काम वर्क फ्रॉम दी होम हो गया है,
तो उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरीके से चेंजेस आए हैं और लोगों का सोशल इंटरेक्शन कम हो गया है, तो एक उससे मेंटली भी अफेक्ट होएंगे लोग, क्योंकि जो ह्यूमन बीन है वो एक सोशल एनिमल है, तो उसके लिए बाहर निकलना और फिजिकली लोगों से मिलना वो ज़्यादा आप कह सकते हो कि एक बेटर चीज़ है एज़ कम्पेयर टू कि आप जूम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके वो बॉक्सेस में जो चेहरे दिखते हैं उनसे बातचीत करें। तो वो बताया गया है इसमें, तो इतना इम्पोर्टेंट कुछ आर्टिकल है नहीं वो। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अभी जो नेपाल और इंडिया के रिलेशन की बात की जा रही है, तो देखिए अगर हम मैप में देखें, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये देखिए नेपाल है। तो नेपाल की लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पे कौन से बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं इंडिया के। देखिए यहाँ उत्तराखंड हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर बिहार हो गया, ये सिक्किम है, और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल भी इसको टच करता है। और अगर बात करें भारत और नेपाल के बायलेटरल रिलेशन के बारे में, तो देखिए भारत और नेपाल के रिलेशन वैसे तो बहुत सही रहे हैं, सिवाय सिर्फ एक आध इंसिडेंट 2015 में हुआ था जब नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तब एक ब्लॉकेट की सिचुएशन हो गई थी भारत और नेपाल के बीच में, तो उस टाइम पे सिचुएशन थोड़ी ख़राब रही थी। ठीक है, देखिए नेपाल का आप कैपिटल देख सकते हो काठमांडू, यहाँ पर उसकी लोकेशन है, तो थोड़ी सी आप कह सकते हो कि ईस्टर्न साइड में लोकेशन, सेंटर टू ईस्टर्न की साइड में इसकी लोकेशन। देखिए लोकेशन का एक आइडिया रहना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी टाइम पे ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, और देखिए नेपाल का ये जो डाउन वाला रीजन है, नीचे वाला, इसको तराई रीजन कहा जाता है। यहाँ पर ही जो तराई रीजन में ही मधेसी कम्युनिटी बसते हैं, उनको ही लेकर भारत और नेपाल के बीच में थोड़ी सी आप कह सकते हो कि रिलेशन सही नहीं था एक टाइम पे, लेकिन वो बहुत ही कह सकते हो कि कम ही ऐसे इंसिडेंट है जो भारत और नेपाल के बीच में रिलेशन ख़राब हुए हों। ठीक है, और देखिए रेलवे चलाने की भी बात की गई थी कि बिहार से, और आप कह सकते हो काठमांडू से हम ट्रेन चलाने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें भारत और नेपाल के बीच में पॉजिटिव चल रही थी, लेकिन अभी फिलहाल नेगेटिव क्या हो गया है कि जो ये वाला रीजन है, काला पानी वाला रीजन, जो उत्तराखंड से थोड़ी सी टेरिटरी एक्सटेंड हो रही है, और यहाँ नेपाल के इस वाले जंक्शन में, ये जो ट्राई जंक्शन दिख रहा है जहाँ इंडिया नेपाल और चाइना का ट्राई जंक्शन है, यहाँ पर जो एक काला पानी वाले टेरिटरी है जिस पे वो इंडिया ने अभी अपने नक्शे में दिखाया था, नेपाल उसके ऊपर अपनी सॉवरेनिटी क्लेम करता है, तो उसके लिए काफ़ी काफ़ी दिक्कत चल रही है। तो यहाँ पर भी भारत कह रहा है कि इंडिया को अपने विवेक से काम, नेपाल को अपने विवेक से काम लेना चाहिए, ना कि चाइना जो कह रहा है उसके हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि अभी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, ठीक है, वो अभी प्रो चाइना हो गए हैं काफ़ी, क्योंकि उन्हें उनकी सीट बचाने में वहाँ पर चाइना का काफ़ी एक मेजर रोल था, इसलिए अभी वो काफ़ी प्रो चाइनीज़ स्टांस ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए काला पानी की बात की कि जो मैंने आपको अभी मैप में दिखाया है कि इस तरीके से जो ट्राई जंक्शन वाला रीजन है, जो अभी डिस्प्यूटेड रीजन बना हुआ है, ठीक है, उसको व्हेन इंडिया पब्लिश न्यू मैप, जो इंडिया ने नया मैप जारी किया था, जो बाइफर्केशन ऑफ द जम्मू कश्मीर हुआ था 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद तो इंडिया ने अपने नक्शे में काला पानी वाला रीजन दिखाया था, उसके बाद से ही इंसिडेंट ऐसे होने लगे कि नेपाल और इंडिया के रिलेशन बिगड़ने लगे। ठीक है, फिर नया मैप दिखाया गया है कि काला पानी, लिपू लेक और लिम्पी या धुरा, लिम्पी या धुरा, कौन सा, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पी या धुरा, ये तीन पोजीशन, ये तीन लोकेशन है जिसको पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में दिखाया गया था। इसके ऊपर नेपाल ने प्रोटेस्ट किया और बोला कि ये यूनिलेटरल आपने एक्ट किया है, हमारे से कोई भी आपने बायलेटरली टॉक नहीं किया और ऐसे डिसीजन आपने ले लिए, तो इसके ऊपर नेपाल का काफ़ी ऑब्जेक्शन है कि कह रहा है कि इसमें से बहुत सारा टेरिटरी हमारा है और आपने काफ़ी अनजस्ट अनजस्ट कार्टोग्राफी दिखाई है। ठीक है, और फिर अभी नेपाल ने भी अपनी तरफ से एक नया नक्शा जारी किया है जिसमें उसने काला पानी वाली टेरिटरी को अपने मैप में दिखाया है, तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और देखिए 2015 की जो मैंने आपको बात बताई, जब ब्लॉकेड हुआ था, ठीक है, 6 मंथ लॉन्ग ब्लॉकेड, जब नेपाल ने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो एक इंसिडेंट था जब नेपाल और भारत के रिश्ते थोड़े से ख़राब चल रहे थे, वरना ओवरऑल इंडिया और नेपाल की कोई ऐसे ख़राब रिश्ते हुए नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से नेपाल को पूरा बैकग्राउंड देखना चाहिए और अपने सेल्फ डिसीजन लेना चाहिए, ना कि जैसे चाइनीज उसको कह रहा है उस तरीके से नहीं डिसीजंस लेने चाहिए। ठीक है, और भारत और नेपाल के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर रोटी बेटी का नाता है। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी पुराने ट्रेडिशंस जुड़े हुए हैं, तो उसके ऊपर पूरा सोच समझ के वहाँ की जो आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आगे प्रोसीड करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आरबीआई की बात की गई, किस तरीके से अभी आरबीआई ने
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बैठी थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने लोग होते हैं? 6 लोग होते हैं, ठीक है। इसमें से 3 आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से और 3 आते हैं आरबीआई की तरफ से। तो फिर ये लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि क्या रेपो रेट्स रखने हैं, रिवर्स रेपो रेट क्या क्या रखने हैं। तो उस तरीके से फिर वो सब रेट्स रखे जाते हैं और उस हिसाब से बैंकिंग सिस्टम चलता है, ठीक है। बेसिकली ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि डिमांड एंड सप्लाई को, इकोनॉमी को बराबर मेंटेन करके रखा जाए। तो अभी 40 बेसिस पॉइंट कट कर दिया गया है और सीधा 4% पे पहुंचा दिया गया है रेपो रेट को। रेपो रेट क्या होता है? देखिए, रेपो रेट वो रेट है जिसमें आरबीआई, आप कह सकते हो कि कमर्शियल बैंक्स को पैसे देता है शॉर्ट टर्म के लिए, 7 से 14 दिनों के लिए, ठीक है। इसको रेपो रेट कहा जाता है। और रिवर्स रेपो रेट किसको कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट में जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के पास पैसे रखता है, ठीक है, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अभी रिवर्स रेपो रेट कितना कर दिया गया है? 3.35% कर दिया गया है। रिवर्स रेपो रेट रेपो रेट से कम क्यों होता है? क्योंकि अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसे दे रहा है और फिर जो रिवर्स रेपो रेट है वो रेपो रेट से ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास पैसा रखकर, तो जो आरबीआई कमर्शियल बैंक, ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट कम रखते हैं ताकि कमर्शियल बैंक है वापस से पैसा आरबीआई के पास ना जमा कर दे और वो पैसा जाके लेंडर जिनको ज़रूरत है, जैसे कि जो एमएसएमईज वाले हैं और जो भी प्राइवेट सेक्टर है उनको जाके लैंड करें ताकि इकोनॉमी ग्रो करे। तो अभी हमने देखा है काफ़ी टाइम से 115 बेसिस पॉइंट का कटौती देखने को मिल चुका है रेपो रेट में, ठीक है। इतना ज़्यादा रेट कट्स कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है और ये बेसिकली रेट कट्स होते रहेंगे ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो एमएसएमईज हैं, जितने भी आप कह सकते हो बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको इजीली फंड अवेलेबल हो सके, ठीक है। तो इन सब लोगों को यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल सकता है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और इकोनॉमी ग्रो करे। अब देखिए, ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन इन सर्च ऑफ द आंसर, हु इज़ बीन बैक बाय पाकिस्तान इन अफगानिस्तान इन दीज डेज ऑफ चाओस। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, अफगानिस्तान में तो काफ़ी अभी हमने देख रहे हैं किस तरीके से टेररिज्म वहाँ पे फैला हुआ है कि वहाँ के जो टेररिस्ट लोग ने अटैक किया, अभी हॉस्पिटल्स पे अटैक देखने को मिला है, ठीक है। तो सिचुएशन इस कोविड-19 के दौरान भी वहाँ पे सिचुएशन सही नहीं है। तो ऐसे में पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान किसको बैक करने वाला है, क्या वो तालिबान को बैक करेगा या वो अफगान गवर्नमेंट को बैक करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन के आ रहा है। तो पहले देख लेते हैं अफगानिस्तान कहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया हमारा प्यारा भारत और यहाँ से अगर आप वेस्ट की तरफ चलोगे तो देखिए यहाँ पर ये पाकिस्तान हो गया और ये अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। तो अफगानिस्तान में यहाँ पर अभी काफ़ी सिचुएशन सही नहीं चल रही। वहाँ पे एक ग्रुप है जो अशरफ घानी का साइड है, जो प्रो गवर्नमेंट है, और एक है तालिबान वाला साइड है। वहाँ पे अभी हमने देखा किस तरीके से जो काफ़ी टाइम से इलेक्शंस को लेके सिचुएशन ख़राब चल रही थी, अभी वहाँ पे कोएलिशन की गवर्नमेंट फिलहाल बन गई है जिसमें अशरफ घानी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला मिल के सरकार बनाने वाले हैं। तो ये एक सिचुएशन तो टैकल हो गई है, चीज़ें वहाँ पर सॉल्व हो गई हैं। लेकिन दूसरा जो टेररिज्म वाला है, जो तालिबान वाला साइड है, वहाँ पर अभी काफ़ी सिचुएशन ख़राब देखने को मिल रही है। तो अभी यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान किसको साइड करेगा, तालिबान की साइड जाएगा या अशरफ घानी की साइड जाएगा, गवर्नमेंट की साइड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि यूएसए का भी फैक्टर है कि यूएसए भी अफगानिस्तान से निकलने के प्लानिंग में है, उसने वहाँ से पीस ट्रीटी साइन करी है अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिलकर, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो 18 साल पुराना वॉर यहाँ पर चल रहा है उसमें से यूएसए बाहर निकल जाएगा। लेकिन एक बार यूएसए बाहर निकलेगा फिर तालिबान को एक बहुत, आप कह सकते हो, स्पेस मिल जाएगा यहाँ पर काम करने के लिए, कोई भी उसको ऑब्स्ट्रैक्ट करने के लिए रहेगा नहीं। तो उसमें पाकिस्तान क्या करेगा, अगर पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर काम करेगा तो बहुत ज़्यादा टेररिज्म फैला सकता है। तो अभी देखने वाली बात होगी किसके साथ जाता है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान और तो तालिबान मिल जाएंगे तो इंडिया के लिए भी एक, आप कह सकते हो कि सेटबैक होगा। लेकिन अभी बीच में हमने देखा था कि तालिबान ने एक कमेंट किया था जिसमें वो कह रहा था कि वो इंडिया के कश्मीर के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते क्योंकि ये कश्मीर का बायलैटरल इशू है पाकिस्तान के साथ। और ये भी कह सकते हो आप कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, उसमें तालिबान दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट इंडिया के लिए देखने को मिला था। तो अब ये तो फ्यूचर में ही देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से अपना मूवमेंट दिखाता है। अब यहाँ पर अगर हम आइडिया पेज देखें तो यहाँ पर ये वाला आर्टिकल आया कि इनसफिशियंट रिलीफ, द स्ट्रेस ऑन द सप्लाई साइड इन द इकोनॉमिक पैकेज विल नेगलेक्ट द डिमांड रिवील, ठीक है।
तो यहाँ पर वही बात की गई है कि वापस से सप्लाई साइड पे फोकस किया गया है, डिमांड साइड पे फोकस किया नहीं गया। जैसा कि हम काफ़ी दिनों से इसके ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं कि हर कोई यही कह रहा है कि डिमांड साइड के ऊपर फोकस किया गया है, सप्लाई साइड के ऊपर फोकस नहीं किया गया है, आपको सप्लाई साइड के भी ऊपर फोकस करना है। तो देखिए, बात बताई गई है कि 20 ट्रिलियन मतलब कि 20 लाख करोड़ का पैकेज जो अनाउंस किया गया, जो 10% ऑफ दी इकॉनमी बताया जा रहा है, 10% ऑफ दी GDP, ठीक है। अब इसमें एग्रीकल्चर में रिफॉर्म देखने को मिला है, MSME को सपोर्ट करने की बात की गई है, MSME जिसमें 25% ऑफ दी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है, 32% ऑफ दी GDP को सपोर्ट करता है MSME, 45% ऑफ दी एक्सपोर्ट भी MSME से जाता है, यानी अपने GDP का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा MSME है, तो उसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट देने की बात की गई है, ताकि उसको भी इजीली फंड वगैरह, फाइनेंस वगैरह इजीली अवेलेबल हो सके। लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर है, और जो एयरलाइंस है, टूरिज्म है, ऑटोमोबाइल्स है, होटल्स हैं, इनको कुछ भी रिलीफ देखने को नहीं मिला है। जो हेल्थ सेक्टर है उनको भी कोई भी रिलीफ देखने को नहीं मिला है। तो ये सब कुछ पॉइंट यहाँ पर ऑथर रेज कर रहे हैं कि जो चीज़ें आपने की है वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ डिमांड वगैरह रेज हो जाएंगी, और ये जो स्पेसिफिक डिमांड वगैरह रेज होना मुश्किल है, और जो आपने सप्लाई सिर्फ सप्लाई के ऊपर फोकस किया है, जो भी आपने आप कह सकते हो कि जो पैकेज दिया है जिसमें इंडस्ट्रीज़ वगैरह ग्रो करेंगी, लेकिन इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेंगी जब तक डिमांड ही नहीं होगा, तो डिमांड के ऊपर कौन काम करेगा। और जो सेक्टर्स मैंने आपको बताएं उसके ऊपर कुछ भी आप कह सकते हो रिलीफ पैकेज दिया नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे आप, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है, यहाँ पर बात बताई जा रही है बोरोइंग की, बात बताई जा रही है कि अगर ज़्यादा क्योंकि सरकार की भी कुछ लिमिटेशन है, तो उसके पास भी बहुत सारा फंड या फिर आप कह सकते हो कि रेवेन्यू है नहीं कि वो सबको ही दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि जो डिमांड के लिए बात की जा रही है, डिमांड के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, लोगों के अकाउंट में पैसे डालने पड़ेंगे। जैसा कि हमने देखा था प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 1500 रुपये हर महिलाओं के जिनके अकाउंट हैं उनके अकाउंट में डाले गए, तो इस तरीके के स्टेप जिससे लोगों के हाथ में डायरेक्ट पैसा जाएंगे, उस तरीके के स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो उसके लिए रेवेन्यू होना चाहिए, तो उसके लिए बोरिंग करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, और बोरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट मतलब, डेफिसिट मतलब कि आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा रेवेन्यू से, ठीक है, तो डेफिसिट बढ़ते जाएगा। तो डेफिसिट की हमने टारगेट रखी थी कि 3.5 रखेंगे, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि ये शायद 5.5 को क्रॉस कर जाए, तो 5.5 5.6 इतना इसका डेफिसिट अभी हो सकता है। तो डेफिसिट जब बढ़ जाएगा तो हमें इसको टैकल करने के लिए, यहाँ पैसे लेने के लिए हमें बोरोइंग करना पड़ेगा, तो बोरोइंग करेंगे तभी डेफिसिट बढ़ेगा, ठीक है। तो बोरोइंग करेंगे या फिर उसका एक अल्टरनेटिव रास्ता ये बताया जा रहा है कि आप RBI को मोनिटाइजिंग दी डेफिसिट कर सकते हैं, यानी नोट प्रिंट करवा सकते हैं RBI से, और नोट प्रिंट करके जो सरकार है, नोट प्रिंट करने के बाद जो टी बिल्स है, ट्रेजरी बिल्स है, वो RBI को दे देगी, और RBI से पैसे ले लेगी, और फिर वो पैसे जाके वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। और ये हमेशा याद रखना, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो कि सरकार ही निकाल सकती है, और कोई भी ट्रेजरी बिल निकाल नहीं सकता। और देखिए, इसी को कहा जाता है हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी एक नया कंसेप्ट है, ठीक है, जो RBI है वो नोट प्रिंट करके सरकार को देती है, इसको क्या कहा जाता है, फिर वही नोट सरकार पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर मनी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप याद रखना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डिमांड के ऊपर फोकस करिए, और डायरेक्ट सप्लाई ऑफ दी मनी इनटू दी बैंक अकाउंट ऑफ दी पब्लिक होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का इस्तेमाल करके, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है अभी जो WHO में इंडिया को आप कह सकते हो कि एग्जीक्यूटिव चेयर का चेयर मिला है, ठीक है, जिसमें हमारे हर्षवर्धन साहब उसको वहाँ के चेयरपर्सन अभी बनेंगे। तो यहाँ पर भी बात की गई है कि प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है उसको आप कह सकते हो 20 मंथ हो गए हैं, तो उसके पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में बात की गई कि ये काफ़ी एक अच्छा प्रोग्राम इंडिया में लागू किया गया है, जिसके तहत सबको सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ सर्विसेज मिलते हैं। इसमें लगभग लगभग 50 करोड़ लोगों को इसमें आप कह सकते हो कि इंश्योरेंस है 50 करोड़ लोगों का, मतलब कि 10 करोड़ फैमिलीज़ हैं जो 5 लाख तक का हेल्थ ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है बाय द इंडियन गवर्नमेंट, और ऐसे ही और भी इनिशिएटिव्स लेके आने की ज़रूरत है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, ताकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 से चल रही है, तब से हमारा टारगेट बन रखा है, इसको हम फुलफ़िल कर सकें, ताकि जो हेल्थ कवरेज है वो एक्सपांड हो सके, और सभी लोगों को हेल्थ एक अच्छा हेल्थ मिल सके, ठीक है। तो वो एक बेसिकली बात की गई है इस आर्टिकल में। और यहाँ देखिए, वापस से वही यहाँ पे भी डिबेट चल रहा है कि डिमांड और सप्लाई का डिबेट, कि आपने डिमांड के ऊपर तो फोकस कर लिया, आपने सारे जो
स्कीम्स लेके आए हैं, जो भी आपने प्रोविजंस लाए हैं, जो भी रिलीफ पैकेज दिया, उसमें इंडस्ट्री वगैरह ग्रो करने की बात की गई है, लेकिन जो डिमांड करेगा, जो पब्लिक है, उसके अकाउंट में पैसे डालने के लिए आपने, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात की गई, उस तरीके के स्टेप्स आपने बहुत कम लिए हैं, ठीक है। उस तरीके के स्टेप्स लीजिए ताकि लोगों के हाथ में पैसा जाए, ताकि डिमांड बढ़े, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एक्सप्लेन पेज की। एक्सप्लेन पेज पे आज क्या बताया है, देखिए पहला ये आर्टिकल आया है कि अभी कैसे कि मदर टू बेबी कैसे इन्फेक्शन फैल रहा है, तो बहुत जगह ये भी देखने को मिला है तो मदर टू बेबी भी इन्फेक्शन फैल रहा है, ठीक है। तो इसकी भी स्टडी की गई और कंपेयर किया गया, जो 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ था उससे कंपेयर किया गया है कि उस टाइम पे जो बेबी बॉर्न हुए थे, जिनकी मदर स्पेनिश फ्लू से इन्फेक्टेड थी, तो उनको आप कह सकते हो कि लॉन्ग टर्म कुछ ना कुछ दिक्कत देखने को मिलता है। तो ऐसा ही कुछ COVID-19 के जो बेबीज़ हैं उनको भी देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक नया एंगल अभी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए WHO रिस्पॉन्स अंडर रिव्यू। अभी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बैठी है जिसमें रिव्यू करेंगे COVID-19 का। अभी जो चाइना के ऊपर क्वेश्चन रेज करने की बात की गई है कि एक आप कह सकते हो कि एक प्रोब बैठनी चाहिए, जांच की टीम बैठनी चाहिए जो जांच करेगी किस तरीके से चाइनीज ये जो वायरस है उसका ओरिजिन हुआ है चाइना से और चाइना का क्या रोल है। तो उसके ऊपर बात की गई कि अभी इंडिया बिकेम दी चेयर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड 147 सेशन का, ठीक है, जिसके अभी हेल्थ मिनिस्टर अपने डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जाके वहाँ पर चेयर पर्सन बनेंगे। तो ये 34 मेंबर की बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर पहले इससे पहले चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर हिरोकी नाकातानी जापान के, ठीक है। तो उनको रिप्लेस करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। अब देखिए व्हाई हैज़ WHO रिस्पॉन्स कम अंडर द क्वेश्चन। WHO का रिस्पॉन्स सवालों में क्यों आ गया, क्योंकि हमने देखा था जो इथोपिया के हैं, जो WHO के डायरेक्टर हैं जनरल, अब कह सकते हो टेड्रोस एधोनोम, ठीक है, गैब्रियासिस, ये काफ़ी प्रो चाइना काम कर रहे थे। इन्होंने काफ़ी डिले कर दिया है एक पेंडेमिक डिक्लेयर करने में, एक पब्लिक इमरजेंसी डिक्लेयर करने में, इसलिए काफ़ी WHO चर्चों में सुर्खियों में बना हुआ है। अब देखिए हु हैड रेज दी क्रिटिसिज्म। तो ये जो इंटरनेशनल रेगुलेशन है, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, इसने काफ़ी क्रिटिसिज्म रेज किया है कि चीज़ें सही नहीं चल रही है, इसको आपको जाँच पड़ताल करनी पड़ेगी। अभी देखिए यहाँ पूछा जा रहा है हाउ इफेक्टिव WHO रिस्पॉन्ड टू दी अर्लियर ग्लोबल आउटब्रेक। तो अर्लियर ग्लोबल आउटब्रेक में पहले के जो इंसिडेंट हुए उसमें WHO का कितना सही रोल रहा है। तो यहाँ SARS 2003 की बात बताइए, उस टाइम पर जो WHO के डायरेक्टर थे जनरल ब्रंटलैंड, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, काफ़ी आप कह सकते हो कि काफ़ी क्विकली रिएक्ट करके सभी चीज़ों को पेंडेमिक वगैरह डिक्लेयर कर दिया था, मूवमेंट वगैरह रेस्ट्रिक्ट कराई थी, ये सब चीज़ें करी थी, काफ़ी फास्ट किया था काम एज़ कम्पेयर टू जो आज टेड्रोस एधोनॉम कर रहे हैं, कितना स्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक कंपैरिजन किया गया है। और देखिए यहाँ पर जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन की गाइडलाइन कम इन टू प्ले इन 2007 जब H1N1 इन्फ्लुएंजा स्प्रेड हुआ था अराउंड 2009, तो उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छे तरीके से टैकल किया गया था। और इबोला जब वेस्ट अफ्रीका में 2014 में फैला था, ठीक है, तो तभी भी जो WHO का रिस्पॉन्स वॉज सो बैड दैट UN सेक्रेटरी जनरल बैन की मून क्रिएटेड एन एडहॉक एमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो तब जाके एक बार और ख़राब देखने को मिला इंसिडेंट। तो तब जो UN के सेक्रेटरी जनरल थे बैन की मून, उन्होंने फिर इनिशिएटिव दिखाया और उन्होंने एक एडहॉक इमरजेंसी रिस्पॉन्स एफर्ट दिखाया अपनी तरफ से। तो इस तरीके से पास्ट के इवेंट्स बताए गए हैं, किस तरीके से काफ़ी अच्छे इवेंट्स भी हुए हैं, काफ़ी क्विकली डिसीजंस भी लिए गए हैं और काफ़ी लेट डिसीजंस भी लिए गए हैं। अब यहाँ पर इंडिया के रोल की बात की जा रही है कि इंडिया का क्या इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो अभी देखिए वहाँ पर चेयरपर्सन अभी इंडियन है, तो अभी एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया है कि इंडिया इसको किस तरीके से लेता है। तो इंडिया भी रिकमेंड कर रहा है कि ज़्यादा रिफॉर्म्स आने चाहिए WHO में और जिस तरीके से फंक्शनिंग है उसमें चेंजेस करने चाहिए, ठीक है। तो अभी देखने वाली बात होगी कि इंडिया इसको कैसे आगे लेके चलता है। अब यहाँ देखिए चाइनीज़ ट्रांसग्रेशन ओवर द ईयर, तो वही बताया गया कि ओवर द ईयर कितने कितने कैसे कैसे ट्रांसग्रेशन, यानी कहाँ कहाँ पर LAC को क्रॉस करके चाइनीज़ आया है। तो वॉट एग्जैक्टली चाइनीज़ ट्रांसग्रेशन इज, तो ट्रांसग्रेशन किसको कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया LAC को क्रॉस करके आप हमारी टेरिटरी में आओगे तो उसको कहते हैं ट्रांसग्रेशन, ठीक है। और देखिए व्हाट डज़ द इंडियन साइड ऑफ LAC मीन, तो देखिए जो LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये इंडिया और चाइना के बीच में है, लेकिन इसको अभी आप कह सकते हैं कि दोनों ने सहमति नहीं ठहराई है कि कौन सी एक्चुअल LAC है और किसको हम पक्का इसको ही मान लेंगे कि ये हमारा बॉर्डर है। तो दोनों में अभी डिस्प्यूट है इसको लेकर, ठीक है। और यहाँ जो LOC है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो क्लियर है कि वो LOC है और इसके इस तरफ तुम रहोगे, इस तरफ हम रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफरेंस है LAC और LOC में। अब देखिए बोला गया है व्हाट इज़ द वेरियस सेक्टर इंडिया एंड चाइना हैव, तो इंडिया और चाइना के बीच में मैंने बताया आपको जो चीज़ें हैं वो सेक्टर में डिवाइड है, जैसे कि जो लद्दाख वाला है वो वेस्टर्न सेक्टर है, जो उत्तराखंड वाला रीजन है वो मिडल सेक्टर है, जो अरुणाचल वाला रीजन है वो ईस्टर्न सेक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो रीजन है वो सेक्टर्स में डिवाइड है। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया है, डू हायर नंबर ऑफ़ द चाइनीज़ ट्रांसग्रेशन मैटर, कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर चाइनीज़ ट्रांसग्रेशन करेगा तो मैटर करता है, बट ऑब्वियसली मैटर करता है अगर कोई भी हमारे एरिया में इंटरफेयर करेगा तो
बायलेटरल रिलेशन तो बिगड़ेंगे ही। और यहाँ पर देखिए काफ़ी कम ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि इंडिया और चाइना का ऐसा मिलिट्री लेवल पे कुछ मुठभेड़ होती हुई दिखाई दे, एक्सेप्ट डोकलाम। एक स्टैंड ऑफ हुआ था जो 73 डेज चला था, तो डोकलाम एक काफ़ी ज़्यादा दिन चला था जो सिक्किम भूटान बॉर्डर पर डोकलाम है, ठीक है। तो इस तरीके की बात बताई गई। और देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स भी दिए गए हैं कि 2019 और 20 की बात बताई गई है कि जो वेस्टर्न सेक्टर है वहाँ पर 130 ट्रांसग्रेशन, ईस्टर्न में 30 ट्रांसग्रेशन, और मिडल सेक्टर में आप कह सकते हो कि 10 ट्रांसग्रेशन हुए हैं, ठीक है। तो मिडल वाला कौन सा, उत्तराखंड वाला जो रीजन है वहाँ पर सबसे कम बताया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा कहाँ, वेस्टर्न में यानी लद्दाख वाले रीजन में। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और देखिए अभी बोला गया है जो फर्स्ट इनफॉर्मल समिट हुई थी मोदी और जी जिनपिंग के बीच, ठीक है, 2018 में वुहान में, तो उसको क्या बातें हुई थी, किस तरीके से बायलेटरल रिलेशन लेके चलेंगे, उसके ऊपर क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है। तो तभी डिसाइड किया गया था कि म्यूचुअली एक दूसरे की सिक्योरिटी को रिस्पेक्ट करेंगे और पीसफुली लेके चलेंगे। लेकिन अभी हमने देखा किस तरीके से अभी नाकुला जो सिक्किम रीजन में है और गलवान रिवर, ठीक है, तो वहाँ पर किस तरीके से, और पेंगोंग लेक लद्दाख वाले रीजन में, तो किस तरीके से वहाँ पर स्किरमिशेस देखने को मिली है। मैं आपको गलवान रीजन दिखाता हूँ, गलवान काफ़ी चर्चे में है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला रीजन है गलवान रीजन, ठीक है, गलवान वैली, ये वाली वैली है, ये लद्दाख वाला रीजन हो जाएगा और ये अक्साई चीन वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से लद्दाख में कुछ इस रीजन के आसपास है पेंगोंग लेक, ये देखिए ये वाला रीजन पेंगोंग लेक है, ये हो गई गलवान वैली, तो हमने यहाँ पर देखा। और जो सिक्किम वाला रीजन, अगर आप यहाँ से नीचे और जाओगे और यहाँ पर ऐसा सिक्किम देखोगे तो वहाँ पर नाकुला पास है, तो यहाँ पर भी स्किरमिशेस देखने को मिली थी भारत और चाइनीज़ के बीच में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर में कैसे लेके चलते हैं इंडिया और चाइना रिलेशन। और यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र के फोकस किया गया है बेसिकली कि किस तरीके से अभी वहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो अपने अपने राज्यों की तरफ पलायन कर गए हैं और वहाँ पर अभी लेबर शॉर्टेज हो गया है। तो वहाँ के जो CM है उद्धव ठाकरे, उन्होंने कहा है कि सन ऑफ दी सॉइल्स यानी जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं वही लेबर आके जो शॉर्टेज है उसको फुलफिलमेंट करें और सब इंडस्ट्रीज़ में आके काम करें। और वहाँ पर तो एक प्रोविज़न भी पास किया गया है कि 80% ऑफ दी जो जॉब है वो सिर्फ वहाँ के रेसिडेंट को ही मिलती है। ऐसा ही हमने आंध्र प्रदेश में भी देखा था कि उन्होंने भी 75% तक जो जॉब्स है वो वहाँ के रेसिडेंट को देने की बात की गई थी। और यहाँ पर देखिए वर्ल्ड पेज में अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा था किस तरीके से पाकिस्तान में जो प्लेन क्रैश देखने को मिला है, ठीक है, वहाँ पर एक प्लेन क्रैश हो गया पाकिस्तान में कराची के यहाँ पर, तो ये एक दुखद घटना वहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अभी चाइना ने अपना स्ट्रेंथ दिखाया, आर्मी स्ट्रेंथ दिखाया, जहाँ एक तरफ सभी लोग COVID-19 से परेशान है वहीं दूसरी तरफ चाइना अभी भी अपना आर्मी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। दरअसल ये वाक्य तब का है जब चाइना अभी हांगकांग में गया था, मतलब मीटिंग चल रही थी हांगकांग से, तो वहाँ पर बात ये चल रही है कि जो चाइना है वो एक लेजिस्लेशन पास करेगा यानी एक लॉ बनाएगा जिसके तहत वो हांगकांग की सिक्योरिटी के ऊपर लॉ बनाएगा। तो इसके ऊपर हांगकांग वाले काफ़ी खफा है क्योंकि उसको हांगकांग चाहता है कि वो वन कंट्री टू सिस्टम हमेशा ही फॉलो करे। वन कंट्री टू सिस्टम के तहत क्या है कि कंट्री तो हांगकांग को चलिए गिना तो चाइना के अंदर जाता है लेकिन वहाँ का सिस्टम अलग है, वहाँ के सब एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी सब वो लोग अपने हिसाब से चलाते हैं, वहाँ पर चाइना का कोई भी इंटरफेरेंस उन्हें बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अब चाइना वहाँ पर लॉ बनाने की बात कर रहे हैं इसलिए वहाँ पर अपोजिशन देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ अभी हांगकांग में देखने को मिल रही है क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से जब चाइना ने बात की थी कि एक्सट्रेडिशन लॉ बनाएगा जिसमें के तहत अगर कोई हांगकांग में कुछ क्राइम करता है तो उसको चाइना में ले जाके सज़ा देने की बात की गई थी, उसके बाद से ही काफ़ी वहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। आगे देखते हैं और क्या बात बताई जा रही है। देखिए ये वापस इकॉनमी वाला वही पेज जो बताया जा रहा है कि जो रेपो रेट है उसको कम कर दिया गया है। और देखिए एक और बात बताई जा रही है कि जो बैंक ग्रुप एक्सपोजर लिमिट है उसको भी 30% हाइक कर दिया गया है। तो एक्सपोजर लिमिट को 30% बढ़ा दिया गया, मतलब कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर बिजनेसमैन वो 30% तक लोन ले सकता है। पहले कितना 25% था जो बैंक ग्रुप एक्सपोजर लिमिट था, ठीक है, तो ये बताया गया। और जो एग्जिम बैंक है उसको 15,000 करोड़ देने की बात की गई ताकि वो अपना जो फॉरेक्स से रिलेटेड कामकाज है उसको कंटिन्यू रख सकें। तो इस तरीके के चेंजेस अभी RBI लेके आया है। तो बेसिकली इतना ही था आज के इस वीडियो में, चलिए मिलते हैं कल की वीडियो के साथ, चलिए शुक्रिया।